आज मैं सबसे पहले आपको पढ़ाने जा रहा हूं अप्रोक्सीमेशन। ध्यान देंगे, छोटा सा टॉपिक है अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन का मतलब है कि हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना चाहते हैं, एक्यूरेट या एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालना चाहते। हिंदी में जिसको कहते हैं अंदाजुआ वैल्यू, अंदाजन वैल्यू निकालना चाहते हैं। हम सिर्फ अंदाजन वैल्यू निकालना चाहते हैं, एग्जैक्ट या एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकालना चाहते। अब सब बच्चे बोर्ड पर देखेंगे और एक ही बोर्ड में बात समझ में आ जाएगी। लेट अस टॉक अबाउट अप्रोक्सीमेशन। लुक ऑन द बोर्ड वेरी वेरी केयरफुल्ली। अप्रोक्सीमेशन की बात कर रहे हैं। मान लीजिए एफ ऑफ ए इज एग्जैक्टली नोन। एफ ऑफ ए की वैल्यू एग्जैक्टली आपको पता है एंड वी वॉन्ट टू फाइंड अप्रोक्स वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा है। आपको एफ ऑफ ए की वैल्यू एग्जैक्टली पता है और आप अप्रोक्स वैल्यू एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा ए की निकालना चाहते हैं। मेथड बिल्कुल सेट है, मेथड बिल्कुल सटीक है। चलिए बात करते हैं मेथड की। एफ ऑफ ए एग्जैक्टली नोन है और एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा ए हम निकालना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे कि एफ डैश ए किसके बराबर होता है, लिमिट एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, जहां एच टेंडिंग टू जीरो। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जो कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। एच कोई वेरिएबल है जो जीरो को जा रहा है। आप एच की जगह डेल्टा ए भी यूज कर सकते हैं और यहां पर डेल्टा ए टेंड्स टू जीरो। ये कुछ नहीं, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, तो हमने वेरिएबल डेल्टा ए ले लिया। सोचो अगर डेल्टा ए जीरो को टेंड करेगा तो ये क्वांटिटी किसके बराबर होगी, एफ डैश ए के बराबर हो जाएगी। यही तो होती है डेरिवेटिव की डेफिनेशन, एफ ऑफ ए प्लस जीरो माइनस एफ ए अपॉन सेम जीरो। सपोज डेल्टा ए जीरो को टेंड नहीं करता, इफ डेल्टा ए डज नॉट टेंड टू जीरो बट डेल्टा ए इज स्मॉल। डेल्टा ए जीरो को टेंड नहीं करता लेकिन डेल्टा ए छोटा है, तो आप एफ डैश ए को अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो कि ठीक है यार एग्जैक्टली तो बराबर नहीं होगा लेकिन अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर हो जाएगा। क्योंकि एग्जैक्ट बराबर कब होता, जब डेल्टा ए जीरो को टेंड करता। तो ठीक है एग्जैक्ट नहीं, ये अप्रोक्सीमेटली बराबर है। डेल्टा ए से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, एफ ऑफ ए को इधर ले आए तो मिल गया एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा ए इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा ए इंटू एफ डैश। ये लीजिए, ये मिल गई वैल्यू किसकी, एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा ए की। एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा ए इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा ए इंटू एफ डैश। ये अप्रोक्सीमेशन कहलाता है। आइए क्वेश्चन करके बताऊं। क्वेश्चन सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। एक क्वेश्चन मान लो बोलता है फाइंड अप्रोक्स रूट 26। आइए इसकी अप्रोक्स वैल्यू निकाले। क्वेश्चन करने के लिए तरीका यह है, फर्स्ट फाइंड एफ एक्स ए डेल्टा ए सो दैट एफ ऑफ ए इज एग्जैक्टली नोन एंड डेल्टा ए इज एज स्मॉल एज पॉसिबल। बस आपका एक ही लक्ष्य है कि आप एफ एक्स निकालें, ए निकालें और डेल्टा ए निकालें ताकि डेल्टा ए एज स्मॉल एज पॉसिबल हो। इसके लिए हम क्लियरली देख सकते हैं कि एफ एक्स तो हम रूट एक्स ले लेंगे, ए को 25 ले लेंगे और डेल्टा ए को 1 ले लेंगे। तो आइए फॉर्मूला लगाएं। क्या है फॉर्मूला, एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा ए इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा ए इंटू एफ डैश। तो एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा ए रूट ऑफ 25 प्लस 1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए रूट 25 डेल्टा ए 1 एफ डैश 1 अपॉन 2 रूट ए रखना है 25। तो रूट 26 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5 प्लस 1 बाई 10। बहुत बढ़िया, ये लीजिए रूट 26 5.1। बस इसी को कहते हैं अप्रोक्सीमेशन, इसी को कहते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना।
अंदाजुआ वैल्यू निकालना। कॉपी करें तो एक आध क्वेश्चन लें। आइए एक आध क्वेश्चन और ले लें, वैसे आपको समझ में आ गया लेकिन फिर भी फाइंड। मान लीजिए कोई आपसे बोले क्यूब रूट ऑफ 26। वाह, पिछली बार स्क्वायर रूट निकाला था 26 का, अब की बार क्यूब रूट निकालेंगे। मुझे उम्मीद है कि शायद आप समझ गए होंगे कि गुरुजी एफ एक्स को लेंगे क्यूब रूट एक्स, ए को लेंगे 27 और डेल्टा ए को लेंगे -1, क्योंकि 26 के आसपास 27 ही एक ऐसा नंबर है जिसका एग्जैक्ट क्यूब रूट हमको नोन है। तो वापस बस कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लिख देना है इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए डेल्टा ए इंटू एफ डैश ए। एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा ए क्यूब रूट ऑफ 27 प्लस -1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 27 प्लस डेल्टा ए। डेल्टा ए पॉजिटिव भी हो सकता है, डेल्टा ए नेगेटिव भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुद्दा बस इतना ही है कि आपको एफ ऑफ ए एग्जैक्टली नोन होना चाहिए। एफ डैश ए इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1/3 इंटू एक्स की पावर 2/3 आ जाएगा, है ना। एक्स की पावर 2/3 तो 27 की पावर 2/3, तो क्यूब रूट ऑफ 26 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3 माइनस 27 की अगर बात करें तो 27 का क्यूब रूट 3 का स्क्वायर 9 9 3 27। वाह 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 वाह, तो क्यूब रूट ऑफ 26 की रैशनल वैल्यू आ गई 80/27। सॉल्व कर लेंगे, कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाएगा। आइए जगह खाली पड़ी है तो एक क्वेश्चन टाइम पास कर लेते हैं। मान लीजिए कोई आपसे बोले फाइंड, क्या बोले, मान लीजिए कोई बोल दे √80। ऐसे ही उठपटांग सवाल आते हैं इसमें, तो मुझे उम्मीद है शायद आप समझ गए होंगे और मन ही मन सोच रहे होंगे गुरुजी टाइम मत वेस्ट करो। लेकिन एक क्वेश्चन ले लेता हूं, एफ एक्स रूट एक्स आ गया, ए को लेंगे 81, डेल्टा ए तुम्हारे पास निकल के आ जाएगा -1। समझ गए होगे आप लोग, तो एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा ए इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा ए इंटू एफ डैश। तो यहां आ जाएगा रूट ऑफ 81 प्लस -1 इज √81 प्लस -1 1/√81। तो √80 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 9 -1/18। चलो कॉपी करो, अगले टॉपिक पर आएं।